क्रिएटिव प्रगति में आप सभी का स्वागत है। हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी, स्ट्रेस यानी तनाव, पोल्यूशन और बदलते खान पान के कारण लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान होने की बजाय अपनाएं कुछ घरेलू टिप्स और होममेड ऑयल की रेसिपी, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हर्बल ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए आंवले, इतने सारे आंवले नहीं लेने हैं, मैं आपको बताऊंगी। कड़ी पत्ता, गुड़हल के फूल और एलोवेरा। 2 लीटर नारियल तेल में आपको 2 से 3 आंवले लेने हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर ही तेल में डालना है। गुड़हल का फूल अगर अवेलेबल ना हो तो बाकी चीज़ें ही डाल दीजिए। सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में आपको जितना भी हर्बल ऑयल बनाना है आप डाल लीजिए। मैंने 2 लीटर कोकोनट ऑयल लिया है, जो कि 6 से 7 महीने तक चल जाता है, डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। फिर इसके बाद आपको 1/2 लीटर बादाम का तेल भी इस कढ़ाई में डालना है, और अगर आपके पास काला तिल का तेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आप गैस ऑन कर लीजिए, और गैस को आपको कम आंच पर ही रखना है, आपको तेज़ नहीं करना है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप उसमें ग्रेटेड आंवला या फिर आंवले का जूस डाल दीजिए। आंवले का जूस ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ग्रेटेड आंवला से झाग बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उसको सिकने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर आपको इस ऑयल में ढेर सारा कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता से बाल जल्दी बढ़ते हैं और घने भी होते हैं, और बालों का झड़ना भी कम होता है। तो आप इस तेल में ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल दीजिए। फिर एलोवेरा जेल आपको निकाल लेना है, और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालने से ऑयल लंबे समय तक नहीं टिकेगा और ख़राब होने का डर भी रहेगा। गुड़हल के फूल के पत्तों को आपको अच्छी तरह से धोकर और सुखा कर ही तेल में डालना है। इन सबको आपको मंद मंद आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि झाग बिल्कुल भी ना रहे और कड़ी पत्ता और आंवला काले रंग का ना हो जाए। मेरे को लगभग 1/2 से 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि मैं ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल बना रही हूँ। अब ये ऑयल ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। ये देखिए, इस ऑयल में झाग बिल्कुल भी नहीं है। अब आप गैस बंद कर दें और इस ऑयल को ढककर ओवरनाइट इसी लोहे की कढ़ाई में छोड़ दें। अगले दिन इस ऑयल को छानकर बॉटल्स में भर लें। फिर आप जब भी इसे लगाएं तो ऑयल हल्का गर्म करके जड़ों में अच्छी तरह से इसे मालिश करें। कुछ ही दिनों में आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और हेयर फॉल भी कम होगा। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो नारियल तेल 100 ग्राम और कपूर दोनों को मिलाकर बॉटल में रख लें। दिन में 2 बार सूखे बालों में इसको लगाएं, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले, और सिर की खूब अच्छी तरह से मालिश करें। इससे डैंड्रफ में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बाल काले और घने करने हों तो नींबू के छिलकों को कोकोनट ऑयल में डुबोकर 8-10 दिन तक धूप में रख दें। फिर इसे छानकर बालों की जड़ों में लगाएं। बालों को अगर चमकदार, सॉफ्ट और सुंदर बनाना हो तो बाल धोते समय शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद लास्ट में 1 मग सादे पानी में 1 लेमन जूस मिलाकर बालों पर डाल दें। इससे हेयर शाइन करेगा और सॉफ्ट भी होगा, और बाल जल्दी गंदे भी नहीं होंगे।